लिसनर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि जस्ट बिकॉज आपके पास में दाखिला खारिज है या म्यूटेशन है और या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है, या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर आप ज़मीन का ओनरशिप नहीं ले सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ही ज़मीन के एक्चुअल मालिक हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अधिकतर हम हमारी समझ में यही होती है कि अगर मेरे नाम पे म्यूटेशन है या ज़मीन का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है मेरे पास में, तो ज़मीन मेरी ही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये स्वामित्व के दस्तावेज नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन आने का रीजनिंग क्या है, क्यों डिसीजन ऐसा बोला गया है कि जस्ट बिकॉज ये चीज़ है तो आपका वो नहीं बनता है, कारण क्या है, तो आज हम जानते हैं इस इंटरेस्टिंग केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये दो जजेस बेंच का है, और जो जो आया है बहुत ही लेटेस्ट है, तो ये 20/11/2023 का ही है। इसका सिविल अपील नंबर है 7210/2011, पी किशोर कुमार वर्सेस वित्तल के पाटकर, ये दोनों इस पर पार्टी रहे हैं। और जो अगर हम आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में, फैक्ट्स ऑफ द केस इस केस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इन द सेंस कि मुझे भी कम से कम 4-5 बार मुझे पढ़ना पड़ा, तब जाके मुझे थोड़ा सा फैक्ट्स समझ में आया कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। तो मैं पूरा अगर ये पढ़ूँ आपको, समराइज़ किया है मैंने, वो ये है द केस इन्वॉल्व्स अ डिस्प्यूट ओवर अ लैंड इन नवरत्ना आगरा बैंगलोर के एक ज़मीन का ये केस है, विच द प्लेंटिफ क्लेम्स डिवेल अपॉन दम थ्रू ए फैमिली सेटलमेंट डीड इन 1953। देखिए यहाँ पे प्लेंटिफ जो ज़मीन का अपना जो बताता है कि ये ज़मीन मेरा है, इसको मिला है थ्रू कैसे, एक फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू मिला है 1953 का है। ए पोर्शन ऑफ द लैंड वॉज लेटर सोल्ड टू द प्लेंटिफ्स वेंडर 1958। यही ज़मीन जो उसको मिला था फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू, वो ज़मीन उसने किसी को बेचा कब, 1958 में। अब 1954 में जो होता है द मैसूर पर्सनल एंड मिसलेनियस इनाम अबोलिशन एक्ट आ जाता है, जिसके तहत में जो जमींदारी अबोलिशन का है, यहाँ पे इनाम अबोलिशन है आया हुआ है, ठीक है, केम इन टू फोर्स 1955। देखिए ज़मीन उसने वेंडर्स को कब बेचा, 1958, जबकि 1955 में ही ये कानूनी आ गया था। Abolition and vesting rights. The plaintiff's vendor applied for occupancy right and the commissioner ordered it in 1950 central to the dispute. तो जो vendor plaintiff ने जिन लोगों को ज़मीन 1958 में बेचा था, वो commissioner के पास पर जाकर occupancy right मांगते हैं, और commissioner का order जो होता है वो 1958 में आ जाता है, जो ही इस लड़ाई का जड़ बना है। The plaintiff asserted that the claim was accepted, making them the lawful owner, while the defendant argues that the order granted occupancy right to his fiduciary in interest. The interpretation of the commissioner orders is crucial in determining the rightful owner with a better title. देखिए यहाँ पे जो plaintiffs के जो vendor होते हैं वो deputy commissioner के पास पे जाकर जो ज़मीन उन्होंने खरीदा है उसका वो occupancy right मांगते हैं, और वो उनको commissioner दे भी देता है, है ना, कि मेरे पास है। जबकि जो प्लेंटिफ है, जो मतलब जो जिनको फैमिली सेटलमेंट डीड के थ्रू पे जो ज़मीन मिली है, वो बोलते हैं कि कमिश्नर का जो ऑर्डर था वो सही नहीं था, और वो फिर सिविल कोर्ट में जाते हैं। सिविल कोर्ट पे द प्लेंटिफ क्लेम्ड ओनरशिप बेस्ड ऑन ए फैमिली सेटलमेंट डीड इन 1953, पर डिफेंडेंट असर्टेड बेटर टाइटल फ्रॉम ए नामदार अंडर द मैसूर इनाम अबोलिशन एक्ट 1954। तो बेसिकली जो डिफेंडेंट जो डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, ये जो इनामदार अबोलिशन एक्ट आता है उसका जो सेक्शन 9 है उसके तहत में वो जाते हैं और अपने आप को इनाम का ये कर देते हैं। वो जो सेक्शन 9 था वो ये बोल रहा था कि कुछ ज़मीन आप अपने नाम में करवा सकते हो, उसके तहत में वो जाकर डिप्टी कमिश्नर से ऑक्यूपेंसी राइट ले लेते हैं। कौन, ये डिफेंडेंट। द रेवेन्यू रिकॉर्ड नीदर क्रिएट नॉर एस्टैब्लिश द टाइटल ओनरशिप, द कोर्ट नोटेड। डिप्टी कमिश्नर ने क्या दिया, एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया था, जबकि प्लेंटिव जो बोल रहे थे कि ये ज़मीन तो हमारी है। देखिए ये जो ज़मीन जो था बेसिकली बहुत बड़ा ज़मीन था, तो आधा ज़मीन उन्होंने किसी को बेचा जो ये डिफेंडेंट है, और आधा ज़मीन जो है वो उन्होंने वो उनके पास में है। तो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी प्रॉपर्टी होता है, ये ध्यान रखना है इस केस में। अब कोर्ट की, मैं सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग की बात करती हूँ। अगर लोअर कोर्ट की बात करें तो लोअर कोर्ट में जो पहला जो सिविल कोर्ट था वहाँ पर उन्होंने केस जीत लिया था। किसने केस जीत लिया था, जो प्लेंटिव थे उन्होंने केस जीता था, और डिफेंडेंट केस हारे थे ऑब्वियसली।
लेकिन जो जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, जस्ट बिकॉज जो डिफेंडेंट है उनके पास पे ऑक्यूपेंसी राइट है, सॉरी हाँ, जो डिफेंडेंट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज आपके पास में ऑक्यूपेंसी राइट, इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन आपका हो गया है, तो वो हार जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये मैटर फिर से हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, ऑक्यूपेंसी राइट जिसके पास में है वही ज़मीन का एक्चुअल ओनर है। और उसके बाद ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग अपनी इस ऑर्डर की दी थी वो ये बोल कर दिया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो मेन रीजन था जो रीजनिंग का। इट इज़ अ सेटल लॉ दैट ए वेंडर कैन नॉट ट्रांसफर अ टाइटल टू द वेंडी बेटर देन ही हिमसेल्फ पोसेस। द प्रिंसिपल अराइजिंग फ्रॉम द मैक्सिम नेमो डैट क्वाड नॉट हैबिट, नो वन कैन कन्फर अ बेटर टाइटल देन वॉट ही हिमसेल्फ हैज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपके पास में, आपका पास जो टाइटल है, आप अपने उस टाइटल के हिसाब से ही आगे का काम कर सकते हो। अगर आप ज़मीन के ओनर हो तभी आप ज़मीन को बेच सकते हो। अगर आप ज़मीन के टेनेंट हो तो कहाँ से आप ज़मीन को बेचोगे? तब आपके पास तो राइट भी नहीं है ज़मीन का बेचने का, आप ऐसे टेनेंट हो। तो आपके पास में जो टाइटल है अपने टाइटल के हिसाब से ही आप काम कर सकते हो। इन द प्रेजेंट केस द प्लेंटिव्स वेंडर हैविंग बीन डिनाइड द राइट ऑफ टाइटल इन द लैंड बाय कमिश्नर ऑर्डर कुड नॉट हैव कन्वेड द सेम टू हर वेंडी। तो यहाँ पे जो कमिश्नर का जो ऑर्डर था, जिसमें कमिश्नर ने जो मेन प्लेंटिव जिनको थे उनको ऑक्यूपेंसी राइट दे दिया था, और जो वेंडर्स थे, जो प्लेंटिव के जो वेंडर्स थे, जिसने जिन्होंने ज़मीन खरीदा था उनको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिसका पास जो राइट है वो तो वही कर सकता है। तो यहाँ पे जो कमिश्नर का जो ऑर्डर है ये बहुत ही फॉल्टी है। जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो मैं पूरा इसमें यही एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है, मैं पढ़ देती हूँ। दिस कोर्ट इन सोमनाथ बर्मन वर्सेज एसपी राजू एंड अदर, इसमें सुप्रीम कोर्ट पुराना कोई एक डिसीजन के बारे में बात करते हुए कह रहा है, हेल्ड दैट पोसेशन कैन बी रिगार्डेड एज ए बेटर टाइटल अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू एंड लॉफुल ओनर। अगर जस्ट बिकॉज आपके पास कब्जा है तो वो भी एक टाइटल के जैसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रू एंड लॉफुल ओनर है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर द मल्टीट्यूड ऑफ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स पुट टू यूज टू आर्ग्यू दैट द प्लेंटिव वाज कल्टीवेटिंग द सूट प्रॉपर्टी वुड नॉट एडिक्वेटली मीट द डिमांड्स ऑफ प्रूफ मेड बाय लॉ। जस्ट बिकॉज प्लेंटिव ने रेवेन्यू अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ले लिया है, या फिर ये बोल दिया है कि वो ज़मीन का खेती बाड़ी करता है, उसके पास कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास में ज़मीन का वो एक्चुअल ओनर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक्चुअल ओनर होता है। द ओनली क्रेडिबल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लेड एज एविडेंस इन द प्रेजेंट केस वॉज इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट्स प्रोड्यूसर इन इंटरेस्ट, हैंस इट मस्ट फॉलो दैट इट इज ओनली द डिफेंडेंट हु कैन बी डिक्लेयर एज अ लॉफुल ओनर ऑफ द बी शेड्यूल। इस पूरे केस में जिसके पास में जो सही डॉक्यूमेंट है, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो है डिफेंडेंट के पास, जो कि डिफेंडेंट ने जिससे ज़मीन खरीदा था वो ज़मीन के एक्चुअल ओनर थे, तो उनके पास में एक्चुअल टाइटल था। जस्ट बिकॉज आपके पास में कब्जा आ गया है ना, और कानून के ऊपर नीचे हुआ है, तो उसके वजह से आप ज़मीन के एक्चुअल ओनर नहीं बनोगे। तो डिफेंडेंट ने ज़मीन खरीदा है जिनके पास में एक्चुअल रजिस्टर सेल डीड था, तो उसके थ्रू में डिफेंडेंट जो है वो इस ज़मीन का एक्चुअल टाइटल है, ना कि प्लेंटिव जिसके पास जस्ट बिकॉज रेवेन्यू अथॉरिटीज ने उसको ऑक्यूपेंसी राइट दे दिया है इनामदार एक्ट के तहत में, उससे वो ओनर नहीं बन जाता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको ज़मीन का टाइटल नहीं देता है ना। ज़मीन का टाइटल अगर आपको लेना है, जहाँ कहीं भी डिस्प्यूट हो जाती है, ये बात को भी समझना है कि जहाँ डिस्प्यूट हो जाती है तो जो ज़मीन का जो टाइटल देने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ कोर्ट के पास में आ जाता है, कोर्ट ही पर डिक्लेयर करेगा कौन सही ओनर है। आप ये समझिए कि यहाँ पे जरूरत है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास म्यूटेशन है तो क्या मैं ज़मीन को ओनर नहीं हूँ? नहीं, बात कोर्ट ने यहाँ नहीं बोली है। कोर्ट का बोले मतलब जहाँ के डिस्प्यूट हो जाता है वहाँ पे, है ना, जहाँ डिस्प्यूट नहीं है तो वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, तो ये बात बोलिए। फाइनली जो जजमेंट हुआ उस पर यह बात, इम्पुन जजमेंट डिग्री आर अकॉर्डिंगली सेट असाइड। तो जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, डिग्री था, उसको सेट असाइड कर दिया गया। द सिविल अपील स्टैंड्स अलॉट एंड द डिग्री पास बाय द ट्रायल कोर्ट एक्सट्रैक्टेड हियर एंड अबव इज सेट असाइड विद द रिजल्ट दैट द प्लेंटिव सूट शैल स्टैंड डिसमिस्ड। तो जो प्लेंटिव का जो मेन केस था वो पूरा ही डिसमिस कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उसका पूरा केस का जो दामोदार वो एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पे ही था, जो कोर्ट ने बोला भी है कहीं जजमेंट में बहुत बार कि बहुत गलत तरीके से ये लिया गया है, कोर्ट को ऐसा फील भी हुआ है। और जस्ट बिकॉज आपके पास में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या दाखिला खारिज है, इसका मतलब ये नहीं बन जाता कि आप ज़मीन के
एक्चुअल ओनर हो। तो व्यूवर्स, आई होप आज का ये केस जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसके फैक्ट्स ऑफ द केस, मैं उसको समझाने में सफल हो पाई हूँ, आई होप। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।